हे गाइस वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में होशाद अली सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज में आज भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर दो डिस्कस करेंगे जिसमें आज का टॉपिक रहेगा हमारा भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कीजिए और हम शुरुआत करते हैं तो प्रैक्टिस सेट नंबर वन से हमने जिस टॉपिक की शुरुआत की थी आज उसको इस प्रैक्टिस सेट नंबर दो में कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेंगे जो परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं जैसे आज का पहला ही सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है इसको मार्क करिए कई परीक्षाओं में पूछा गया है सवाल और इस सवाल को सिर्फ आज तक आप रटते ही होंगे चलिए आज ये आपको समझ आ जाएगा इस प्रश्न की पृष्ठभूमि क्या थी। पहला सवाल देखिए भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग हुआ करता था उस भूखंड का नाम आपको बताना है क्या है भूखंड हम बोलते हैं जमीन के बड़े टुकड़े को आइए ग्लोब पर आते हैं ये हमारी पृथ्वी है पृथ्वी पर हमें दो ही चीजें नजर आती हैं एक तो यह ब्लू कलर में ये क्या है यह है वाटर ये पानी है और बाकी जो नजर आते हैं ये लैंड के हिस्से हैं इन्हें हम महाद्वीप बोलते हैं तो भूमि के विशाल खंडों को हम महाद्वीप बोलते हैं कॉन्टिनेंट बोलते हैं और इस पानी के इस लंबे चौड़े विस्तार को हम बोलते हैं ओशंस महासागर आज के जो ये महाद्वीप हमें इस तरह से दिखाई दे रहे हैं अलग अलग और कुछ आस पास ये पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे इनके निर्माण से पहले ये ऐसे नहीं थे ये सारा लैंड वाला हिस्सा ये सारा लैंड वाला हिस्सा यानी जितने भी कॉन्टिनेंट हैं ये सब एक जगह हुआ करते थे ये एक ही विशाल भूखंड हुआ करता था एक बड़ा भूमि का एक सिंगल खंड हुआ करता था और बाकी इसके चारों ओर चारे पानी हुआ करता था लेकिन यहां बीच में आपको दिखाई दे रहा है लेकिन पहले सिंगल एक ये भूखंड हुआ करता था और उसके चारों ओर पानी था ये यानी महासागर था एक एक ही एक ही महाद्वीप था और एक ही क्या था महासागर था यानी हम बात कर रहे हैं जो महाद्वीप हैं इनकी उत्पत्ति कैसे हुई ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट ये बने कैसे इस थ्योरी को दिया गया था अल्फ्रेड वैग्नर के द्वारा ये प्रश्न पूछा हुआ है इसको मार्क कर लीजिएगा महाखंडों की या महाद्वीपों की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया अल्फ्रेड वैगनर ने दिया इनका कहना था कि शुरुआत में पृथ्वी कैसी थी इस पृथ्वी पर एक ही विशाल भूखंड हुआ करता था ये भूमि है ये एक बहुत बड़ा जितने हमारे कॉन्टिनेंट है वो सात के साथ कॉन्टिनेंट वो सब एक जगह थे तो उसको क्या कहा गया इसको महास्थल या महाखंड कहा गया महाभूखंड और इसको इसका नाम दिया जाता है पेंजिया पैंजिया नाम का एक विशाल भूखंड हुआ करता था हमारी पृथ्वी पर और उसके चारों ओर था पानी ही पानी महासागर इसको नाम दिया गया पैंथलासा अब आपसे यहाँ से, से प्रश्न बनते हैं तीन एक तो थ्योरी वाला बन गया और दूसरा कि महासागरों की उत्पत्ति जब हुई थी उससे पहले जो महासागर हुआ करता था उसका नाम क्या था तो पैंथलासा महासागरों की उत्पत्ति से पहले जो एक विशाल भूखंड हुआ करता था उसको क्या कहा जाता था पैंजिया काफी समय के बाद इस जो भूखंड हमने देखा था पेंजिया यानी ये भूखंड अब दो हिस्सों में टूट जाता है काफ़ी समय के बाद में अलग अलग जितने भी परिवर्तन होते हैं और ये दो हिस्सों में टूट गया एक इसका नॉर्थ वाला हिस्सा हो गया एक साउथ वाला तो नॉर्थ वाले हिस्से को नाम दिया गया अंगारा लैंड या इसी को बोला गया लोरेशिया तो यहाँ लिखा हुआ है और दूसरा जो साउथ में हिस्सा गया इसका इस भूमि का उसको कहा गया गॉडवाना लैंड ये साउथ वाला हिस्सा यहाँ मेंशन कर दिया गया है और इनके बीच में जो पानी अब आया यानी पहले तो ये एक सिंगल टुकड़ा था अब ये जो महासागर का पानी यहाँ आ गया अब इस महासागर के पानी को जो इन दोनों भूखंडों के बीच में है इसको बोला गया तैथी सागर एक सवाल ये पूछा गया है कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में कौन सा सागर हुआ करता था आंसर होगा सागर हमें यह समझ में आया जो पेंजिया था महास्थल खंड था ये दो भागों में बढ़ गया अंगारा लैंड में और गोंडवाना लैंड में और यही दो टुकड़े यही दो हिस्से अब जो है सात महाद्वीपों में काफ़ी समय के बाद में बटने लगेंगे टूटने लगेंगे तो जो हमारा पेंजिया था ये भूखंड था इसके उत्तरी भाग को हम बोल रहे थे अंगारा लैंड और इसके दक्षिणी भाग को बोल रहे थे हम गौडवाना लैंड अब जो उत्तरी भाग था उत्तरी भाग फिर से टूटा और टूटने के बाद में ये तीन खंडों में बट गया एक तो उत्तरी अमेरिका यानी एक इससे कौन सा महाद्वीप बन गया उत्तरी अमेरिका बना यूरोप महाद्वीप बना एशिया महाद्वीप बना तो अंगारा लैंड से जो कि पेंजिया का देखो यहाँ पेंजिया का उत्तरी भाग था अंगारा लैंड अंगारा लैंड के टूटने के बाद में तीन महाद्वीप बने जो आज वर्तमान में हैं उत्तरी अमेरिका यूरोप और एशिया और दक्षिणी भाग जो था इस पेंजिया का जिसे हम गोडवाना लैंड कह रहे थे इससे चार महाद्वीप बने दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका अब बात की गई है हमारे भारत की तो जो भारत है वो भी अफ्रीका के साथ पहले अटैच था अफ्रीका के साथ ही कनेक्टेड था यानी भारत की भूमि और अफ्रीका की भूमि एक साथ मिली हुई थी तो जब निर्माण हुआ ये भारत गौडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था यहाँ आपको समझ आ गया देखिए ढेर सारे प्रश्न हैं आप तैयार कर सकते हैं यहाँ से कोई भी किसी भी कॉन्टिनेंट के बारे में पूछ ले कि यूरोप यूरोप पेंजिया यूरोप जो है जब महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई तो ये किस भूखंड का हिस्सा था अंगारा लैंड का ऐसे आंसर कर सकते हैं चलिए प्रश्न पर आते हैं कर सकते हैं अब आंसर भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड हुआ करता था जिसे हम गॉडवाना लैंड कहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही आंसर है सवाल नंबर अगला देखेंगे भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना होता है ये प्रादेशिक जल क्षेत्र क्या होता है भारत का देखिए जिन देशों की जो भूमि होती है जिन देशों का लैंड होता है अगर वो समुद्र के साथ महासागरों के साथ में टच करता है या स्पर्श करता है या ऐसे देश जिनकी भूमि जो है समुद्रों से लगी रहती है उन देशों के पास में कुछ अधिकार होते हैं समुद्र को लेकर के तो हम जानते हैं जो भारत है वो हिंद महासागर में है और इधर अरब सागर इधर बंगाल की खाड़ी है तो भारत की भारत जो है तीन तरफ से ये जल से घिरा हुआ है ये सारा जल है ठीक है सागर महासागर से घिरा हुआ है अब इस सागर महासागर वाले पानी पर भारत का अधिकार कहाँ तक होगा तो यहाँ आप देखिए ये भारत का जो निचला लैंड आपको दिख रहा है तो ये यह यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा नज़र आ रहा है आपको ठीक है तो जब कभी भी किसी भी देश का समुद्र में अधिकार हम बताते हैं कि कहाँ तक होगा कितनी डिस्टेंस तक होगा तो हम एक बेस लाइन लेते हैं बेस लाइन क्या होती है जो जैसे आप जब इसको देखोगे बड़े मैप पर तो ये ऐसे एक्चुअल सीधी नहीं होती लाइन कहीं पर टेढ़ा मेढ़ा कहीं 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 कम या कहीं ज़्यादा समुद्र तट ऐसे होता है तो हम बेस लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं कि वो सबको कवर करती हुई आए बेस लाइन यानी वो बिल्कुल सीधी खींचे ये टेढ़ा मेढ़ापन जो है बिल्कुल इस बेस लाइन में आ जाए ठीक है तो यहाँ पर ये देखो ये गैप आ गया ये पानी होगा यहाँ पर ये पानी होगा यहाँ पर यहाँ पर पानी होगा ये सब पानी होगा तो इसको बोलते हैं हम इंटरनल वाटर आंतरिक जल होता है ये हमारा ये आंतरिक जल हो गया जो इन टेढ़े मेढ़े से संरचनाओं में दिखाई दे रहा है आधार लाइन के अंदर और इसको हम बोलते हैं बेस लाइन ये जो लाइन बिल्कुल सीधी होती है एकदम इसी से हमें आगे बढ़ना होता है समुद्र के अंदर कि कहाँ तक भारत का अधिकार है जल पर इस बेस लाइन को रेफरेंस मानते हुए अब समुद्र की अंदर की तरफ चलेंगे हम समुद्र की तरफ बढ़ेंगे तो यहां से समुद्र की तरफ इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल समुद्र रेखा समुद्र में जो आधार रेखा है इस रेखा से समुद्र की तरफ बढ़ते हुए 12 नॉटिकल माइल या 12 समुद्री मील तक जो अधिकार होता है इस सीमा रेखा को हम क्या बोलते हैं प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल सी इसके बाद में इस बेस रेखा से अगले 24 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं इस सीमा को बोलते हैं या इस जोन को हम कहेंगे संलग्न क्षेत्र या Contiguous जोन इसके बाद में आती है आखिरी और अगर आप देखोगे इस बेस लाइन से 200 सौ नोटिकल माइल तक की डिस्टेंस इस क्षेत्र को हम बोलते हैं इस आखिरी क्षेत्र को हम बोलते हैं ई e -E यानी इसको कहेंगे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अनन्य आर्थिक क्षेत्र अब आ जाओ अपने सवाल पर भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार बेस लाइन से कितना होता है बारह नॉटिकल माइल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं तट से बारह समुद्री मील इसका आंसर हो जाएगा ये सही तो ये समझ में आ रहा कि कोई भी प्रश्न जो है ऐसे नहीं बनता है क्योंकि अगर आप विज्ञान की बात करो भूगोल की बात करो इन सब में क्या है जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सब के पीछे कारण रहे हैं ठीक है किसी चीज़ की उत्पत्ति को लेकर हो या कोई फैसला लिया गया हो कोई कन्वेंशन की गई हो तो इस तरह से ये समुद्रों पर अधिकार किस देश का कितना होगा इसको लेकर के एक संधि हुई थी जिसको हम जानते हैं अनक्लॉज के नाम से इसको याद रखिएगा इसको बोलते हैं हम अनक्लॉज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ सी लॉ ऑफ सी का मतलब होता है समुद्र का कानून या समुद्र के समुद्र के नियम यानी किस देश का अधिकार अपने जल क्षेत्र में कहाँ तक होगा इसको लेकर एक कन्वेंशन हुई थी संधि हुई थी उन्नीस में इसको हम बोलते हैं अनकलॉज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ सी समुद्र जल को लेकर ये संधि हुई थी इसी में डिसाइड किया गया था कि भारत का इतना क्षेत्र पर अधिकार होगा यानी भारत इन क्षेत्रों में यहाँ तक 200 नॉटिकल माइल तक जितना भी संसाधन होगा जितने भी रिसोर्सेज सोर्सेज अवेलेबल हैं इस समुद्र के अंदर यहीं तक उनका दोहन कर सकता है यहीं तक का यूज़ कर सकता है एक सवाल यहाँ से ऐड कर लीजिए नॉटिकल माइल्स में हम बात कर रहे हैं ये क्या होता है एक समुद्री मील या वन नॉटिकल माइल इक्वल टू तो कितने किलोमीटर के बराबर होता है एक दशमलव आठ पाँच किलोमीटर ठीक है इसमें आप अगर एक दशमलव आठ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर में ये डिस्टेंस आ जाएगी समुद्र के अंदर ऐसे ही बारह नॉटिकल माइल में वन एक दशमलव आठ की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एग्जैक्ट आपको लंबाई या चौड़ाई मिल जाएगी इसकी तो इसको ध्यान रखना आप लोग हमेशा भारत का जो जल क्षेत्र है या जल क्षेत्र सीमा है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड है एक तो प्रादेशिक जल सीमा है जिसको हम टेरिटोरियल सी बोलते हैं और ये तट रेखा से या आप कहेंगे आधार रेखा से बारह नॉटिकल माइल बारह समुद्री मील तक होती है उसके बाद संलग्न क्षेत्र शुरू हो जाता है कॉन्टीजूस जोन ये चौबीस समुद्री मील तक होता है आधार रेखा से अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक एक जोन इसको ई बोलते हैं कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछता है तो ये क्या है 200 समुद्री मील तक डिस्टेंस होती है इसकी ठीक है ये समझ में आ गया होगा अभी कितने भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं अब हम यहाँ से अगला सवाल देखें भारत के किस राज्य का समुद्री तटीय रेखा सबसे अधिक लंबी है भारत के किस स्टेट की जो कोस्टल लाइन है वो सबसे ज़्यादा लंबी है तो देखिए भारत की जो समुद्र तटीय रेखा है वो कहाँ कहाँ पर है अगर यहाँ से गुजरात से शुरू करेंगे तो भारत का जो समुद्र है वो शुरू कौन से राज्य से होता है या हम ये कहते हैं कि भारत जो है तीन तरफ से जो है जल से घिरा हुआ होता है भारत जो है तीन तरफ से जल से घिरा है तो यहाँ से शुरुआत होती है इस गुजरात स्टेट से तो गुजरात स्टेट जो है समुद्र से जो है अपनी सीमा साझा करता है गुजरात के बाद में जितने भी राज्य यहाँ पड़ेंगे दक्षिण तक और ऐसे ये सब क्या हैं सबकी अपनी अपनी समुद्र तटीय रेखा है यानी ये राज्य समुद्र को स्पर्श करते हैं भारत के पहले आ जाइए भारत के पश्चिमी हिस्से में तो ये गुजरात राज्य है ये महाराष्ट्र है ये कर्नाटक है ये गोवा है और ये केरल है पश्चिमी हिस्से में अगर आप देखोगे जो पश्चिम हिस्सा है भारत का उसमें समुद्र के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो अपनी सीमा साझा कर रहे हैं यानी किन किन का समुद्र तट है एक तो गुजरात है महाराष्ट्र है ये गोवा है यहाँ पर ये छोटा सा राज्य और ये कर्नाटक है ये केरल है तो इधर कितने राज्य हुए यहाँ पाँच राज्य हुए पश्चिम में पश्चिम में पांच राज्य हुए अब देखते हैं पूरब में चलो अब इधर बढ़ते हैं पूरब की तरफ इधर है तमिलनाडु छः और सात नंबर हुआ आंध्र प्रदेश ये उड़ीसा है ये पश्चिम बंगाल है तो भारत के ये नौ राज्य हैं जो समुद्र के साथ लगे हुए हैं और इन्हीं में से बताना है भारत के किस राज्य की समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है यानी अगर इसको देखें इस तरह से ये समुद्र तटीय रेखा होगी इसकी यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही ये महाराष्ट्र की हो गई गोवा की हो गई और ये ये वाली किसकी हो गई कर्नाटक की ये केरल की तो इनमें बताना है सबसे ज़्यादा कौन सा समुद्र तटीय रेखा शेयर कर रहा है कौन सा राज्य है इसमें एक सवाल इससे पहले ये बता देते हैं कि भारत के पश्चिमी समुद्र तटीय राज्य कौन कौन से हैं तो ये भारत के पश्चिमी ये हमने रेड में लिखे हैं भारत के पश्चिमी समुद्र तटीय राज्य हैं ये भारत के पूर्वी समुद्र तटीय राज्य हैं ठीक है चार हैं पूर्वी समुद्र तटीय राज्य और पांच हैं पश्चिमी समुद्र तटीय राज्य ये वाले राज्य ये जो राज्य हैं ये अरब सागर को टच करते हैं ये किसको करते हैं ये बंगाल की खाड़ी को तो इसमें समझिएगा जो कोस्टल लेंथ है इंडियन स्टेट्स की सबसे लंबी जो समुद्र तटीय रेखा है वो आंध्र प्रदेश की होती है सबसे लंबी आंध्र प्रदेश की नहीं होती गलत हो जाएगा प्रश्न गुजरात की होती है बारह किलोमीटर इसको याद रखिएगा गुजरात की सबसे लंबी होती है सबसे लंबी कोस्टल लाइन किसकी है गुजरात की है और सेकंड नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु सबसे छोटी किसकी होती है राज्यों की बात चल रही है नाइन्थ पर आती है पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल नाइन्थ पोजीशन पर है और ये है एक किलोमीटर और इससे पहले जस्ट आप सोच रहे होंगे गोवा तो बहुत छोटा है तो गोवा की आ जाती है कितनी गोवा की भी लगभग इसी के आसपास होती है वो होती है 160, 160 किलोमीटर चलिए इस सवाल का आंसर अब हम कर पाएंगे आसानी से तो किस राज्य की समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है आंसर हो जाएगा गुजरात की सबसे लंबी है अगर आपसे पूछा जाए कि जितने भी ये नौ राज्य हैं नौ राज्य है बाउंड्री शेयर कर रहे हैं समुद्र के साथ में तो इनके कुल कितने जिले हैं जो समुद्र के साथ में टच कर रहे हैं तो ये भी याद रखिएगा छियासठ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैं छियासठ जो हैं कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैं तो ये तो राज्यों की बात थी अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ को देखेंगे तो दो यूनियन टेरीट्रीज़ हमारी कौन कौन सी हैं एक तो है दमन एंड दीव ठीक है दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली ये है और एक पौंडीचेरी है ये दो यूनियन टेरिटरीज भी वाटर के साथ में अपना बाउंड्री शेयर करते हैं यूनिज पर जनरल क्वेश्चन नहीं बनता है लेकिन ये हो गया आपका स्टेट्स का चलते हैं अगले सवाल पर जब कभी भी आप सफ़र कर रहे होंगे ट्रेन से तो किसी स्टेशन पर जब आप पहुंचते हैं उस स्टेशन पर या जंक्शन आप पर, पर आपको लिखा मिलता है उसके जो येलो कलर के बोर्ड होते हैं कि समुद्र तल से ऊंचाई 200 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर ये जो होती है समुद्र तल क्या होता है पृथ्वी पर दो हिस्से हैं एक तो पानी का है जल वाला दूसरा होता है लैंड वाला जो लैंड वाला हिस्सा होता है लैंड वाले हिस्से पर आप देखते हैं जिस पर हम रहते हैं इस पर धरती महाद्वीप सारे चीज़ें हैं ये तो इस पर कहीं पर देखो समतल मैदान मिलेंगे कहीं पर पहाड़ मिलेंगे कहीं पर आपको पठार मिलेंगे बहुत ऊंची नीची ये ज़मीनें होती हैं ठीक है ठेके? लैंड वाली तो यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है कि लेवल कैसे मापा जाए सबका इक्वल कैसे किया जाए और इसके चारों ओर बाकी जितने भी महाद्वीप हैं इनके चारों ओर पानी भरा हुआ है तो पानी को आप देखते होंगे क्या पानी कभी ऐसे ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ रुकता है आप किसी बर्तन में भी पानी भरोगे तो पानी क्या कभी ऐसे रुकता हुआ देखा होगा आपने पानी जिस बर्तन में भी आप रखोगे कैसे भी रहेगा तो पानी का जो लेवल है वो बिल्कुल सेम रहेगा ठीक है एक समान रहेगा ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम रहेगी उसके तल से तो जो हम ये लेते हैं समुद्र तल तो हम जो रेफरेंस मानते हैं समुद्र तल को यानी इसको मानते हैं समुद्र जो सी का लेवल होता है सी सरफेस जो होता है इसी से ऊपर की हाइट जितने भी लैंड उठे हुए होंगे महाद्वीपों में जितने भी राज्य जितनी भी जगह प्लेसेस उठे होंगे वो हाइट उसी की होती है जैसे समुद्र तल से बोलते हैं 200 मीटर की हाइट पर है आपका जो जंक्शन है या आपका जो ज़िला है जो भी कुछ यहाँ से भी आप गुजर रहे हो वहाँ मेंशन मिलता है हमें कभी कभी स्टेशंस पर तो मिलता ही है तो हमारे देश में भारत का औसत समुद्र तल जो मापा जाता है वो चेन्नई को रेफरेंस मान मापा जाता है भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है अभी अभी जो आपने अभी अभी जो हमने ये नौ राज्य देखे थे यहाँ से ये टोटल लेंथ कितनी है पश्चिम बंगाल तक गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक इसको याद रखेंगे ये है सेवन ये है सात हज़ार पाँच सौ किलोमीटर तो कहीं कहीं पर आपको मिलेगा सात हज़ार पाँच सौ सत्रह किलोमीटर ठीक है तो ये क्या हो गया ऑप्शन डी पचहत्तर किलोमीटर है भारत की समुद्र तटीय रेखा कोस्टल लाइन भारत की कितनी है पचहत्तर किलोमीटर और अगर आपसे पूछे जो ऊपर के राज्य हैं जो ऊपर वाले राज्य हैं जो इसको समुद्र को टच नहीं करते हैं इन राज्यों की अगर इनकी लाइन देखें ये बॉर्डर लाइन यहाँ तक ये ऊपर ऊपर की जो बॉर्डर लाइन है ये कितनी है ये एक्चुअली इसकी जस्ट डबल है यानी वो पंद्रह किलोमीटर है ये भी याद रखिएगा जो तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तटों को क्या नाम दिया जाता है अच्छा जो तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है इसकी जो समुद्री तट को कम्बाइनली हम क्या बोलते हैं कोरोमंडल तट ऑप्शन ए दस डिग्री चैनल किस किस को सेपरेट करता है दस डिग्री चैनल किस को पृथक करता है हम जानते हैं हमारे देश में जो आइलैंड्स हैं उसमें जो अंडमान निकोबार आइलैंड है एक्चुअली इसमें जो आप ये देखते हैं ऊपर वाले आइलैंड्स ये अंडमान निकोबार हैं जितने भी ऊपर के जितने भी ऊपर के आइलैंड्स हैं ये अंडमान के हैं और जितने भी नीचे के आइलैंड्स हैं ये निकोबार के हैं ठीक है तो इनके बीच में जो पानी का ये भाग है इनके बीच में जो पानी का भाग है जो सेपरेट करा अंडमान आइलैंड्स को और निकोबार आइलैंड्स को इसको बोलते हैं हम टेन डिग्री चैनल यही होता है टेन डिग्री यही होता है टेन डिग्री चैनल चैनल किस चीज़ का वाटर का ठीक है तो ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को सेपरेट करता है नाइन डिग्री का चैनल लक्षद्वीप को और मिनीकाय को सेपरेट करता है आठ डिग्री का चैनल मालदीव और मिनीकाय को करता है नेक्स्ट चलें निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है देखिए भारत का जो लैंड है इस पर तो कहीं नहीं है ज्वालामुखी वगैरह वॉल्केनोज लेकिन जो अंडमान निकोबार आइलैंड है भारत का इसी में एक बैरन द्वीप है यही बैरन द्वीप क्या है ये ज्वालामुखी द्वीप है ये भारत का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है चलिए पहले अंडमान निकोबार आइलैंड्स को देख लेते हैं कौन कौन से आइलैंड्स इसमें हैं और ये जो सैडल पीक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा जो पीक है सैडल पीक ये किधर पड़ेगा एक्चुअली बहुत सारे द्वीप हैं इधर तो यहाँ ऊपर ये हमने देखा था एक टेन डिग्री जो चैनल है ये अंडमान और निकोबार के अलग अलग आइलैंड्स हैं इनको सेपरेट करता है पहली बात तो अंडमान के अपने आइलैंड्स हैं निकोबार के अपने आइलैंड्स हैं इनको कम्बाइनली बोला जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो सबसे ऊपर वाला है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ अंडमान तो यहाँ पर देखते हैं सबसे ऊपर जो है अंडमान के आइलैंड्स में सबसे ऊपर कौन सा है उत्तरी अंडमान इसको बोलते हैं हम नॉर्थ अंडमान उसके बाद में आता है मध्य अंडमान इसको बोलते हैं हम मिडल अंडमान और उसके नीचे आता है साउथ अंडमान यानी दक्षिण अंडमान और सबसे नीचे है इसमें लिटिल अंडमान इसको बोलते हैं हम लिटिल अंडमान नीचे वाले को ठीक है तो ये ऑर्डर कभी कभी पूछता है आपसे परीक्षा में ठीक और जो उत्तरी अंडमान है इसी उत्तरी अंडमान में है एक पीक जिसे हम बोल रहे हैं सैडल पीक तो ये सैडल पीक कहाँ पर है ये उत्तरी अंडमान में है ठीक है तो ये समझ में आया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक तो ये अंडमान में पड़ेगा और ये दूसरा अंडमान में भी कहाँ इसका डिवीज़न जब हम देख रहे हैं उत्तरी अंडमान में तो इसका आंसर कर पाएंगे आप सैडल पीक कहाँ है उत्तरी अंडमान में है दूसरा अब एक क्वेश्चन और करा था सेकंड लास्ट क्वेश्चन में बैरन आइलैंड पे बैरन आइलैंड बैरन जो द्वीप है ये कहाँ पर है ये अंडमान में हमने बताया था और ये पड़ता है किस किस के बीच में नॉर्थ अंडमान और मध्य अंडमान के बीच में पड़ता है बैरन आइलैंड ये भी याद रखेंगे ये इंडिया का क्या है ये इंडिया का ज्वालामुखी द्वीप है अंडमान निकोबार की राजधानी पूछता है कहाँ पर है तो आप जानते हैं अंडमान निकोबार की राजधानी होती है उसे पोर्ट ब्लेयर हम कहते हैं पोर्ट ब्लेयर कौन से हिस्से में आती है ये अंडमान आइलैंड्स में आती है और कौन से दक्षिण दक्षिण अंडमान में ठीक है साउथ अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर राजधानी और यहीं पर बनी हुई है सेलुलर जेल अब इस वाले पानी के पैसेज को अगर देखें साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में ये जो पानी का पैसेज है इसको बोलते हैं हम डंकन पास यहाँ मेंशन कर देते हैं ये प्रश्न ऐसे फ्रीक्वेंट प्रश्न हैं अगर अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे प्रश्न बनेगा तो यहाँ से आराम से पूछ लेता है आपसे कितने ही सवाल बना लो अभी यहाँ से आप अगर देखोगे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में तो ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार आइलैंड्स इन्हीं के बीच से गुजरता है टेन डिग्री चैनल ठीक है कार निकोबार क्या है निकोबार आइलैंड्स की शुरुआत है यहाँ से सबसे नीचे आओ ये लिटिल लिटिल निकोबार है और सबसे नीचे है ग्रेट निकोबार हमने एक बात की थी ग्रेट निकोबार का अगर आपसे पूछेगा ग्रेट निकोबार का अगर आपसे अक्षांश पूछेगा यहाँ से कौन सा अक्षांश गुजरता है इसको छूता हुआ यानी भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कहाँ पर है दक्षिणतम बिंदु हमें पता है कहाँ पर होगा अंडमान निकोबार में होगा और जब अंडमान के आइलैंड्स ऊपर की तरफ हैं और निकोबार के नीचे की तरफ है तो वो कहाँ आएगा निकोबार आइलैंड्स में आएगा तो ये आ गया ग्रेट निकोबार में है ये पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो ग्रेट निकोबार में है जिसका अक्षांश यहाँ से गुजरता है ये कौन सा है डिग्री पैंतालीस मिनट तो ये रही आपकी जानकारी जितनी भी हो सकती थी अंडमान निकोबार आइलैंड्स की भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है अभी देखा है हमने इसे बैरन आइलैंड बोलते हैं एकमात्र इकलौता एक आइलैंड है ऐसा जो ज्वालामुखी है भारत के पास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी को क्या कहते हैं अभी डिस्कस किया है हमने उसी प्रश्न को अब ऐसे पूछ लिया है इसने ठीक है सैडल पीक उसी सवाल को रिवर्स कर लिया है श्री हरिकोटा आइलैंड कहाँ पर स्थित है यहाँ पर आपको सिर्फ लेक्स दिए हुए हैं और गोदावरी नदी इधर महानदी यहाँ देखिए ये भारत का दक्षिण भारत का मैप है और इसमें ये तमिलनाडु है ये आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश में एक आइलैंड है जिसे हम बोलते हैं श्रीहरिकोटा जो द्वीप होते हैं द्वीप क्या होते हैं ऐसे भूमि के ऐसे क्षेत्र भूमि के ऐसे खंड जो जिनके चारों ओर पानी होता है या पानी से घिरा होता है ऐसा क्षेत्र भूमि का वो द्वीप कहलाता है तो श्री हरिकोटा आइलैंड किसका है आंध्र प्रदेश का एक आइलैंड है ये ये भारत का एकमात्र उपग्रह है लॉन्चिंग केंद्र है जिसको इसरो के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है जिले में की अगर बात करोगे तो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये और यहीं पर पड़ती है एक लेक झील जिसे कहते हैं पुलीकट झील तो आप जानते हैं भारत का जो रॉकेट लॉन्चिंग एक सेंटर है जिसे हम जानते हैं किस नाम से एस डी एस सी एस डी एस सी मतलब सतीश धवन स्पेस सेंटर ठीक है तो ये कहाँ पर स्थित है हरिकोटा में ही स्थित है इस आइलैंड पर इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है कोई बताएगा तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कर्नाटक में है कहाँ पर है कर्नाटक में है इसरो का हेडक्वार्टर मुख्यालय बेंगलुरु में चलिए तो कई सारे प्रश्न हो गए तो ये समझ में आ गया आपको कि श्री हरिकोटा आइलैंड कहां पर है पुलिकट लेक के पास में ही है ये और ये हो गया ऑप्शन सी प्रश्न भी बनता है कि श्री हरिकोटा जो है पुलीकट लेक को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है राम सेतु यानी बोलते हैं इसकी शुरुआत कहां से होती है किन दो देशों के बीच में है यह भी पूछता है कभी कभी चलो समझते हैं इसको यह है भारत यह है भारत और नीचे है तमिलनाडु और यहां तमिलनाडु से जब आप नीचे जाएंगे तो यहां पर श्रीलंका है और यहाँ पर ये वाटर चैनल है ये पाक स्टेट है यहाँ पानी ही पानी भरा हुआ है और इन पानी में भारत से श्रीलंका के बीच तमिलनाडु से लेकर श्रीलंका के बीच यहाँ बहुत सारे आइलैंड्स हैं बहुत सारे द्वीप पड़ते हैं यहां पर तो यहाँ पर एक रामेश्वरम आइलैंड है इस जगह पर यहाँ पर एक ये जो येलो कलर में दिख रहा है आइलैंड है रामेश्वरम आइलैंड इसी को जो है पंबन आइलैंड या पंबन द्वीप भी कहा जाता है द्वीप लिख देंगे इसके पंबन आइलैंड या रामेश्वरम द्वीप का जो एंड पॉइंट है एंड पॉइंट को हम बोलते हैं धनुष कोडी और इसी धनुष कोडी से स्टार्ट हो जाता है हमारा एडम्स ब्रिज जो कि श्रीलंका के पश्चिमी श्रीलंका के पश्चिमी आइलैंड है एक जिसका नाम है मन्नार द्वीप मन्नार द्वीप है यहाँ पर मन्नार आइलैंड है इसमें आप कह सकते हैं थलाई मन्नार या मन्नार द्वीप तक जो ब्रिज है इसी को बोलते हैं एडम्स ब्रिज या राम सेतु अब यह शुरू कहाँ से होता है तो यहाँ बोला है रामेश्वरम पम्बन और धनुषकोडी तीन तीन ऑप्शन आपको एक जैसे देख रहे हैं यहाँ पर तो देखो शुरुआत जो होती है ये तो रामेश्वरम आइलैंड हो गया यानी पम्बन आइलैंड हो गया यहाँ तक इसका जो एंड टिप है एंड टिप को धनुष कोडी बोलते हैं हम धनुष कोडिंग से स्टार्टिंग होती धनुष कोडी से स्टार्टिंग होती है किसकी इसकी इसकी एडम्स ब्रिज की तो ऑप्शन ए ही सेलेक्ट करेंगे हम नेक्स्ट देखेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ पर स्थित है यहाँ पर भी अभी दो ऑप्शन आपको एक जैसे मिलेंगे एक तो ये है देखो ये श्रीलंका है ये भारत है और यहाँ पर ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं ये अंडमान आइलैंड है यहाँ तक और ये नीचे निकोबार के हैं ऊपर यहाँ बंगाल की खाड़ी है तो ये कहाँ पर आते हैं बंगाल की खाड़ी में दो ऑप्शन हो गए अभी यहाँ पर एक ये है बंगाल की खाड़ी का और एक ये है बंगाल की खाड़ी का तो इसमें देखो बंगाल की खाड़ी में सिर्फ दो द्वीप हैं अंडमान निकोबार के जो हैं या बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है तो देखो जब कभी भी एक से ज़्यादा चीज़ें दो या दो से अधिक चीज़ों को या व्यक्तियों को मिला कर के क्या बोलते हैं समूह बोलते हैं हम ठीक है तो अब जानते हैं कि अंडमान निकोबार में दो आइलैंड्स तो हैं नहीं इसमें बहुत सारे सैकड़ों आइलैंड्स हैं तो ये क्या है द्वीप समूह है तो इसमें बी सेलेक्ट करेंगे कि ये जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार जो कि बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी में स्थित है चलिए ये हो गया और अब नेक्स्ट पे चलते हैं निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है तो जो कन्याकुमारी है पहले इसका नाम क्या था ये किस नाम से फेमस था केप कोमोरिन के नाम से फेमस था इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा केप कोमोरिन जो है कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है या कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता था तो ये भारतीय प्रायद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर उसको मानते हैं हम यहाँ पर हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर आकर के मिलते हैं या उनका पानी मिलता है यहाँ बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है अभी देखा था एग्जैक्ट लोकेशन भी देखी थी हमने इसकी वैसे तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है ये वो भी अंडमान वाले आइलैंड्स में है अभी यहाँ पर ऑप्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं ऑप्शन में अरब सागर में नहीं है भूमध्य सागर भी दूर है चाइना सी भी दूर है बंगाल की खाड़ी में क्योंकि अंडमान निकोबार कहाँ पर है बंगाल की खाड़ी में है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जानते हैं ये होता है कोंकण इसको बोलते हैं कोंकण तट लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं लक्षद्वीप क्या है कि यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप में जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं थर्टी सिक्स छत्तीस आइलैंड्स हैं तो भारत का सबसे छोटा संग राज्य क्षेत्र है लक्षद्वीप जिसमें थर्टी सिक्स आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप वाले आइलैंड्स कहां पड़ते हैं ये इस साइड में पड़ते हैं ठीक है याद रखिएगा इधर अंडमान और निकोबार है इधर लक्षद्वीप है भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप कौन सा है किस पर है जनसंख्या ज्यादा इसको याद रखिएगा अच्छा प्रश्न है जो सालसेट टाइलैंड है ये किस में आता है ये महाराष्ट्र में आता है ये क्या है वन ऑफ द दे मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड है ये इंडिया का तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इस पर जो लोग रहते हैं एक तो मुंबई के मुंबई के पीपल रहते हैं इस पर ठीक है और साथ ही थाने के लक्षदीप कहाँ पर स्थित है अभी हमने डिस्कस किया था जो लक्षद्वीप है वो यहाँ पड़ता है और ये जगह कौन सी है ये तो है बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल और ये है अरेबियन सी इधर क्या है अरब सागर है यानी अरेबियन सी अरेबियन सी में पड़ता है ये तो ये हो गया ऑप्शन बी कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है लक्षद्वीप में है ये मिनिकॉय मिनिकॉय द्वीप है मिनिकॉय आइलैंड है ये लक्षद्वीप का आइलैंड है यही भारतीय तटरेखा के सबसे दूर यानी सर्वाधिक दूर या लास्ट का जो आइलैंड है वो यही है सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप हुआ ये मेनिकॉय आइलैंड। देखिए नेक्स्ट कोरी क्रीक कहाँ पर स्थित है जो कोरी क्रीक है ये कोरी क्रीक कहाँ है गुजरात में है गुजरात में जो कच्छ का रन डिस्ट्रिक्ट है यहीं पर है निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में है अभी देखा था हमने रामेश्वरम है सरक्रीक विवाद किन दो देशों के बीच में सर क्रीक एक्चुअली एक कच्छ में है ये और कच्छ मार्शलैंड में है भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित पानी की एक छियानवे किलोमीटर लंबी पट्टी है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में है ये एक्चुअली ये जो सर क्रीक की धारा जो है पानी की ये पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है और गुजरात के कच्छ क्षेत्र को डिवाइड करती है और अरब सागर में जा गिर जाती है सर्क्रीक एशिया में सबसे बड़े मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में से एक माना जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के तीन बड़े राज्य कौन से हैं एक साथ ही बताना है आपको जानते हैं भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है सेकंड पोजीशन पर आता है मध्य प्रदेश थर्ड में आता है महाराष्ट्र फोर्थ फोर्थ में आता है उत्तर प्रदेश ऑप्शन ए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखोगे भारत का सबसे छोटा राज्य तो गोवा है लेकिन यहाँ गोवा ऑप्शन में है ही नहीं तो सिंपल यहाँ कंपैरिजन दिया है चार स्टेट्स का उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तराखंड अभी अभी हमने देखा अगर आप इन चार राज्यों को देखते हो तो राजस्थान सबसे बड़ा है एम उससे छोटा है महाराष्ट्र उससे छोटा है और यूपी चौथे नंबर का है तो इनमें चारों को एलिमिनेट कर सकते हो आप बहुत आसानी से और उत्तराखंड कहीं बहुत नीचे आता है लगभग ये एटीनथ पोजीशन पर आता है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन डी ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो कि हमें चार तो पता ही है इन चार से ऊपर तो कोई है ही नहीं नीचे ही होगा जाहिर है उत्तराखंड तो ये कर पाओगे ऐसे जबकि पूछे स्मॉलेस्ट सभी में सबसे छोटा है गोवा इधर आपको स्टेट हैं और उनकी जो राजधानियां हैं मैच करनी हैं कौन सी सुमेलित नहीं है बताना है जो राजधानियों पर सवाल बनते हैं वो भारत के जो मेन लैंड है बीच का उस पर कमी आते हैं एक तरीके से अगर आप देखोगे ना पूर्वोत्तर राज्य उनकी पूछी आती हैं त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला ऑलरेडी मैच है मणिपुर की राजधानी है अब यहाँ देखिए यहाँ देख यहाँ दे रखा है आइजॉल जबकि मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है जो आइजोल है ये राजधानी किसकी है मिजोरम की है यहाँ मिज़ोरम की, की है और ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल है तो इसमें जो सुमेलित नहीं है तो वो तो ये हो गया नागालैंड की राजधानी कोहिमा है अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है तो जिन लोगों को भी अगर स्पीड कम लग रही है क्योंकि एक्सप्लेनेशन हो रहा है तो ऑप्शन आपके ऊपर अवेलेबल है वीडियोस के ऊपर स्पीड को आप वन पॉइंट टू वन पॉइंट फाइव और वन पॉइंट सेवन और टू की स्पीड यानी जस्ट डबल स्पीड में भी सुन सकते हैं जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे देखिए आज हम जो टेलीग्राम है उस टेलीग्राम में आपसे जैसे कहा गया था कि आप जो है थ्योरी की क्लासेस चैप्टर वाइज करवाई हैं हमने भूगोल की और इतिहास की और पॉलिटी की इन तीन सब्जेक्ट्स की वो खंड शिक्षा अधिकारी का जब एग्ज़ाम हम लोग कवर कर रहे थे उस वक्त में कराई हुई हैं पूरी डिटेल्ड हैं एकदम और वही आपको यहाँ भी पढ़ना है सिलेबस सेम है बिल्कुल तो उस प्ले को अपडेट कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर और साथ ही आप देख लीजिएगा प्ले ऊपर नजर आ जाएगी आपको तो उनको वहां से पढ़ लीजिए अभी सारा कंटेंट है उसमें अवेलेबल क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ से कर लीजिए लातूर किस प्रांत में है लातूर सिटी ये महाराष्ट्र में है ऑप्शन बी भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है तो अगर आप देखोगे बेंगलुरु जो है बैंगलोर को बोलते हैं हम क्या बैंगलोर को ही कहा जाता है सिलिकॉन सिटी और यहां पर सिलिकॉन स्टेट कौन सा हो गया कर्नाटक भारत का कोहिनूर स्टेट कहा जाता है किसको आंध्र प्रदेश को देश के किस प्रदेश में सबसे ज्यादा जिले हैं सबसे ज्यादा जिले हैं यूपी में पिछहत्तर सोनभद्र जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी का वो किस किस को टच करता है देखो सोनभद्र जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी का इसको चार स्टेट्स चार राज्यों की सीमाएं इसको घेरती हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन और ये स्टेट कौन कौन से हैं तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार ये बाउंड्री टच ट्र, ट्र, करती हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की इन चारों स्टेट से भारत का लगभग तीस प्रतिशत एरिया क्षेत्रफल तीन राज्यों में ही समाहित है ये तीन राज्य कौन कौन से हैं तो जो शुरुआत की तीनों राज्य हैं राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र ये तीनों ही थर्टी परसेंट कवर कर ले रहे हैं नेक्स्ट देखेंगे इधर फिर से राजधानी है और इधर आपको मैच करना है इसको तो इस बार कर सकते हैं बहुत सिंपल है असम की राजधानी आप जानते हैं ये दिसपुर है नागालैंड की राजधानी जस्ट अभी चेक किया था कोहिमा है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटा नगर है मेघालय की जो कैपिटल है वो शिलोंग है नेक्स्ट भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है यूनियन टेरिटरीज़ की संख्या भी बतानी है कितनी है आपको तो अभी यूनियन टेरिटरीज़ की संख्या आठ है ठीक है नौ नहीं है आठ है नेक्स्ट देखेंगे जो सिलवासा है सिलवासा किसकी राजधानी है जो सिलवासा राजधानी है आप जानते हैं जो दादर नगर हवेली है और दमन एंड दीव है ये पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी अब ये सिंगल यूटीज बना दी गई है और ये सिलवासा जो राजधानी है वो अब किसकी है दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव की पौंडिचेरी क्षेत्र जो है वो किन राज्यों के बीच विभाजित है एक कल भी किया था ये क्वेश्चन हमने कल इसको डिफरेंट फॉर्मेट में किया था हमने तो देखो ये तमिलनाडु में स्थित है केरल में स्थित है आंध्र प्रदेश में स्थित है आप जानते हैं पौंडीचेरी के चार डिस्ट्रिक्ट हैं चार ही ज़िले हैं इसके तो यूनियन टेरिटरी है ये और इसके एरिया जो है चार अलग अलग राज्यों से घिरे हुए हैं जैसे हमने डिस्कस किया था दो तो पौंडीचेरी डिस्ट्रिक्ट और जो कराईकेल डिस्ट्रिक्ट है ये तमिलनाडु में है ठीक है क्या क्या था पौंडीचेरी डिस्ट्रिक्ट और जो कराईकेल डिस्ट्रिक्ट है ये तमिलनाडु में है यनम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है ये यनम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है और केरल में माहे डिस्ट्रिक्ट है तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है कौन सा इनमें से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है बहुत सिंपल है एकदम लक्षदीप है दादर नगर हवेली है और नेक्स्ट देखिए चंडीगढ़ भी यूटी है यूटी कौन नहीं है ये एक स्टेट है गोवा क्या है एक राज्य है कौन कौन सी यूटीज हैं आठ यूटी हैं अंडमान निकोबार है चंडीगढ़ है दादर नगर हवेली और दमनदीव है दिल्ली है जम्मू कश्मीर है लद्दाख है लक्षद्वीप है पौंडिचेरी है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश ऐसा है जो भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करता है कौन सा है ये जो इंडिया के मेडल से निकल करके जाता है ये हमने कल डिस्कस किया था आपसे इसको देख लेते हैं अभी ये क्या है साढ़े तेईस डिग्री का साढ़े तेईस डिग्री का नॉर्थ लैटीट्यूड है साढ़े तेईस डिग्री का नॉर्थ लैटीट्यूड अब देखो साढ़े तेईस डिग्री दक्षिण वाला नहीं होगा साढ़े तेईस डिग्री वाला ये साढ़े बाईस है नहीं होगा तैतीस है नहीं होगा तो ये क्या है साढ़े तेईस डिग्री साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड इसको ऐसे भी लिखते हैं ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के ऊपर स्थित है कर्क रेखा साढ़े तेईस डिग्री का जो नॉर्थ लैटिट्यूड है किन किन राज्यों से होकर के निकलता है गुजरता है इसको आप जानते हैं ये जाता है गुजरात से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ से झारखंड से पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा से मिज़ोरम से ठीक है इनसे तो होकर के जा रहा है तो इनमें जो है अब इनके ऊपर इस लाइन के ऊपर और नीचे वाले अगर राज्य पूछा है तो इसमें अगर आप मणिपुर को देखोगे जो मणिपुर है मणिपुर जो 24 डिग्री का अक्षांश है साढ़े तेईस डिग्री का तो खुद ही है ये कर्क रेखा ठीक है तो ये इन तीनों से तो पास हो ही रही है लेकिन मणिपुर जो है वो उससे ऊपर है मतलब तो ये वाला साढ़े तेईस डिग्री का इससे नहीं जाता है ऐसे देखेंगे तो ये साढ़े तेईस डिग्री का अक्षांश है और अगर आप देखोगे मणिपुर को तो मणिपुर यहाँ पर स्थित है यानी इस कर्क रेखा के ऊपर तो मणिपुर से अगर आप देखोगे तो चौबीस डिग्री का अक्षांश गुजरता है यहाँ से साढ़े तेईस डिग्री इससे काफ़ी दूर है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर कर्क रेखा किन से होकर के गुजरती है इस पर हमने कई सारे प्रश्न किए हैं और अलग अलग तरीके से पूछता है जान रहे हैं आप गुजरात मध्य प्रदेश से जाती है गुजरात से जाती है मध्य प्रदेश से जाती है छत्तीसगढ़ से जाती है त्रिपुरा से जाती है और मिजोरम से जाती है ठीक है तो यानी ये इन सभी से जा रही है निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है अगर आप अगरतला को देखते हो अगरतला त्रिपुरा की राजधानी त्रिपुरा से होकर के जाती है ये लाइन, और गांधीनगर, गांधीनगर देखो गुजरात की राजधानी तो ये गांधीनगर जो है अगर इस गांधीनगर को देखोगे तो ये इसके नियरेस्ट है इन चारों में भारतीय मानक समय आई एस टी ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी आईएमटी और जीएमटी में आप जानते हैं कि पाँच साढ़े पाँच घंटों का अंतर होता है और ये ऑप्शन बी गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होता है हमने डिस्कस किया था कल यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और ये गुजरात अरुणाचल प्रदेश और गुजरात तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे सनसे सनराइज कहाँ पर होता है हमारे देश में सूर्य की किरणें सबसे पहले कहाँ आएंगी अरुणाचल प्रदेश में और इसके दो घंटे बाद में अगर आप देखोगे गुजरात और गुजरात और आंध्र प्रदेश में देखोगे दो घंटे का अंतर होता है इसके समय में टू आवर्स का अंतर होता है तो ये पोर्शन जब अर्थ रोटेट करेगी इस साइड में ऐसे घूम करके यहाँ दो घंटे बाद ये पहुंचेगा गुजरात तब यहाँ पर सनराइज़ होगा ठीक है तो ये याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई कई तरह से पूछा जाता है इस क्वेश्चन को कि ऐसे भी पूछता डायरेक्टली गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में डायरेक्टली कितना समय अंतराल है टू आवर्स का ही होता है इसमें यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय पाँच बजे होता है सुबह और तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा ये पिछला जो क्वेश्चन हमने किया है इसी के आधार पर आप कर सकते हो क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में टू आवर्स का क्या होता है टाइम गैप है ठीक है अगर पाँच बजे सूर्योदय कहाँ पर हो रहा है अरुणाचल में हो जा रहा है तो सात बजे होगा कहाँ पर गुजरात में ये कर सकते हैं लगभग दिया हुआ है कोई बात नहीं है ठीक है लगभग ही होता है ये समय क्योंकि दो घंटे का डिफरेंस होता है अरुणाचल और गुजरात के समय में ये क्वेश्चन हम कल कर रहे थे इसको एक्सप्लेन भी कर रहे थे मैप पर लेकिन इसको हमने टिक जो है दूसरे ऑप्शन पे कर दिया था तो भारत का सुदूर पश्चिम का जो बिंदु है पश्चिम वाला पड़ेगा गुजरात में पड़ेगा ना इसको समझिए कि हमने वो सही लगाया था या गलत लगाया था ठीक है इसको पहले समझ लीजिए एक बार कैसे ये जो भारत है और हमने कहा था कि ये जो ऊपर से जो लाइंस आती हैं जिनको हम वर्टिकली ड्रॉ करते हैं ग्लोब पर अर्थ पर काल्पनिक रेखाएँ होती हैं ये गुजरती है जो सबसे अगर पश्चिम में देखोगे तो पश्चिम में क्या है राज पश्चिम में हमारा क्या है गुजरात है तो गुजरात के गौहर माता नामक जगह से गुजरता है एक लॉन्गिट्यूड देशांतर और इस देशांतर का नाम है अड़सठ डिग्री सात मिनट अब ये जो है यहाँ पर इस तरह से हमने डिस्कस किया था इसको तो ये वाला जो गोलार्ध है ये पूर्वी गोलार्ध है ये वाला जो गोलार्ध है ये पश्चिमी गोलार्ध है ठीक इसमें आता है भारत यहाँ पर इस तरह से ये भारत आ गया यहाँ पर है ना तो ये जो है अब हमने बताया था कि यह पूर्वी गोलार्ध में है और इसमें जितने भी लैटिट्यूड होंगे उन सॉरी लॉन्गिट्यूड है यहाँ पर ठीक है सीधी वाली लाइन जो है लॉन्गिट्यूड होती है जितने भी देशांतर इसमें लॉन्गिट्यूड होंगे उनके सब साथ में क्या लगेगा ई e लगेगा या पू यानी या तो पूर्व लगेगा साथ में या पूर्वी लगेगा या ईस्ट लगेगा तो ये पूर्वी देशांतर है इस चीज़ को समझिए आप अड़सठ डिग्री अड़सठ डिग्री सात मिनट का पूर्वी देशांतर है ये और ये गुजरात में है ठीक है यहाँ ये नहीं बोल रहा है आपको कि ये पश्चिम है पश्चिम में है ये उस चीज़ को नहीं इंडिकेट कर रहा कभी भी तो लॉन्गिट्यूड के साथ या लैटिट्यूड के साथ अक्षांशों के साथ में जो ये लिखे हुए हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको अगर अक्षांश है तो उसके साथ में एन लिखा रहेगा ठीक है अगर इस गोलार्ड इस इक्वेटर से ऊपर के हैं तो यहाँ पर जैसे साढ़े तेईस डिग्री एन लिखा होता है उत्तर लिखा होता है या उत्तरी लिखा होता है तो वो भी क्या रिप्रेजेंट करता है अक्षांश को नीचे वालों के साथ में द लिखा होगा या दक्षिणी लिखा होगा ठीक है ऐसे ही ये होते हैं तो ये समझ में आ गया होगा आपको तो इसको याद रखिएगा जो हमने पिछले पहले प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन का आंसर किया था वो बिल्कुल सही था अड़सठ डिग्री सात मिनट का सी ऑप्शन हमने लगाया था उसमें सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा होगा अड़सठ डिग्री सात अड़सठ डिग्री सात मिनट का जो पूर्वी देशांतर है ये गुजरात के गौर माता नामक स्थान से गुजरता है ठीक किसी ने आप में से कमेंट्स देखे हमने तो आंसर आप लोग इनमें से ये बता रहे हैं ठीक है ये नहीं होगा कभी भी ये चला जाएगा यहाँ इस वाले गोलार्ध में आएगा अगर इसको कंसिडर करते हो तो भारत की लोकेशन तो यहाँ है तो उधर आउटसाइड कैसे जा सकते हैं हम लोग ठीक है इसको समझिए डिफरेंस इसको कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार्स म्यांमार के साथ में स्पर्श करती है चलिए इसको आप ट्राई करेंगे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है आपके लिए इसका आंसर बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में कौन सा राज्य ऐसा है, है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है तो ये सिंपल क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम देख लीजिए कि इस तरह का है आप जानते भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में तो बांग्लादेश के साथ असम असम जो है बाउंड्री शेयर करता है और मेघालय भी बाउंड्री शेयर करता है और यहां पर देखिए ये मेघालय पर जाएगा मिजोरम भी बाउंड्री शेयर करता है बचा नागालैंड ये बाउंड्री शेयर नहीं करता है इसी सवाल को ऐसे भी फ्रेम कर सकता है जो बांग्लादेश है बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं बांग्लादेश की सीमा को एक तो पश्चिम बंगाल शेयर करता है बॉर्डर अपना असम करता है मेघालय करता है नागालैंड नहीं करता है अभी देखा है हमने नागालैंड नहीं करता है तो ये जिस ऑप्शन में होगा इसको एलिमिनेट ही करेंगे तो अभी अभी देखा है अब बात करेंगे किसकी सिक्किम सिक्किम नहीं करता है तो जहाँ जहाँ नागालैंड है वहाँ तो ये बाउंड्री शेयर नहीं करता है ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं अभी मैप जब आप देखोगे ना एक बार मैप पर आप इसको देखेंगे जा करके ठीक है तो मेघालय असम पश्चिम बंगाल एंड त्रिपुरा ये बाउंड्री शेयर करते हैं इसके लिए मैं आप नहीं शो कर रहा हैं ठीक है ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है मैं जहाँ पर खास क्वेश्चन की ज़रूरत होगी वहीं पर मैप हम डिस्कस करें किस प्रदेश की सीमाएँ हैं तीनों देशों नेपाल भूटान चाइना से बाउंड्री शेयर करती है कौन सा राज्य है जो सिक्किम स्टेट है सिक्किम स्टेट ये जो है इन तीनों नेपाल भूटान चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है वो जो हमने भारत और श्रीलंका के बीच में एक ये जो वाटर चैनल था इसे पाक जलडमरू मध्य कहते हैं हम पाक स्ट्रेट कहते हैं ऑप्शन बी जो सियाचिन ग्लेशियर है इसको लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में है डिस्प्यूट व्हीलर दीप या व्हीलर आइलैंड का नया नाम क्या है जो उड़ीसा है उड़ीसा का जो सागर तट है यहाँ पर आइए उड़ीसा का जो सागर तट है यहाँ से 150 किलोमीटर डिस्टेंस पे समुद्र में एक आइलैंड है जिसे हम कहते हैं व्हीलर आइलैंड ठीक है तो ये किस में आता है उड़ीसा में आता है ये और इसी को हम बोलते हैं ये व्हीलर द्वीप है इसी को हम बोलते हैं अब्दुल कलाम द्वीप तो इनके नाम पर ये द्वीप है अब्दुल कलाम द्वीप तो पुराना नाम इसका व्हीलर द्वीप था मेंशन कर लेंगे उड़ीसा में भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कौन सा है ये है मरीना तट ऑप्शन डी मरीना तट तमिलनाडु की राजधानी जो चेन्नई है चेन्नई में है मरीना बीच ये भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है तेरह किलोमीटर लंबा है कहां पर है ये तमिलनाडु भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है एक ही सवाल को आज हमने चार से पांच बार देखा है इस क्वेश्चन को ठीक है तो ये देख लीजिए किस किस तरह से फ्रेम करते हैं क्वेश्चन को एक ही सवाल को अलग अलग तरह से बनाते हैं तो इसको देखा है कहां पर है अंडमान में है ये डंकन पैसेज हमने शो किया था आपको जब अंडमान निकोबार पढ़ा रहे थे डंकन पैसेज किन के बीच में है डंकन पैसेज है आपका दक्षिणी अंडमान के बीच में और लिटिल अंडमान के बीच में दक्षिणी अंडमान या लघु अंडमान इसको बोलते हैं तो ऑप्शन बी कर लेंगे इसमें माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस राज्य में स्थित है देखिए इस, इस प्रैक्टिस सेट को लगभग एक घंटा होने को जा रहा है अभी और ये चैप्टर पूरा नहीं हो पा रहा था इसलिए इसको यहाँ कंप्लीट करना ज़रूरी है आप में से एक या दो लोग के ही कमेंट्स ऐसे आए हैं जो बोल रहे हैं कि इतना लंबा नहीं देख सकते पढ़ना है तो देखना ही होगा तो चलिए तो ये माजुली द्वीप के बारे में बात कर लेते हैं माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है अब नदी द्वीप क्या होते हैं अगर कोई रिवर फ्लो होती है ठीक है तो रिवर के बीच में कोई आइलैंड है जैसे ऐसा ही है कौन सा आइलैंड ये माजुली और ये कहाँ पर है जब जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर में है ये ये भी याद रखेंगे जब ब्रह्मपुत्र रिवर असम से फ्लो कर रही होती है तो असम में ही है तो माजुली को माजुली को असम का पैंतीसवा जिला घोषित किया गया है इसके साथ देश का पहला द्वीपीय जिला भी ये बन गया है माजुली कहाँ पर है ये असम में रहेगा ठीक है तो ये कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए सर क्रीक कहाँ पर स्थित है अभी देखा है गुजरात के साथ जो भारत और पाक एक्सप्लेनेशन में बताया था इसके साथ लगने वाली जो बाउंड्री है उसमें स्थित है सर क्रीक के बारे में बात कर रहे थे तो ये गुजरात में है और भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा पर एक दलदरी क्षेत्र है एक्चुअली ये है, वेटलैंड्स हैं अरब सागर के द्वीपों के किस भाग को मिनिकाए आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है तो देखिए जो लक्षद्वीप के लक्षद्वीप में बहुत सारे आइलैंड्स हैं छोटे छोटे द्वीप समूह हैं तो इसमें सबसे लास्ट में सबसे निचले जो आइलैंड्स होते हैं उनको मिनी कॉय समूह कहा जाता है तो ये दक्षिणी है केरल का जो तट है इसको क्या कहा जाता है इसको बोलते हैं मालावार तट पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था जो आपने हमें डिस्कस किया था अभी हिमालय के अस्तित्व में आने से पहले इसकी जगह पर तैंतीस सागर हुआ करता था पहले ही प्रश्न में डिस्कस किया था हमने ठीक है किसी और क्वेश्चन में अब तैतीस सागर या हिमालय के जब बनने का जब हिमालय का निर्माण होगा तैतीस सागर का एग्जिस्टेंस की बात करेंगे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी अब अंडमान के भी निकोबार के भी सैडल पीक है माउंट सैडल हम कर चुके हैं कई बार इस क्वेश्चन को तो ये हुआ आज का आपका भूगोल का प्रैक्टिस सेट इसमें भारत की भौगोलिक स्थिति विस्तार को हमने कंप्लीट कर लिया है ठीक है सेकेंड चैप्टर हम डिस्कस करेंगे इसका या तो रहेगा आपके जो दर्रे होते हैं पासिस और जो लेक्स हैं इंडिया की इन पर बेस्ड ऐसे ही करके हम रिवर्स पर करेंगे रिवर्स के साथ उन पर जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं नदी परियोजनाओं पर करेंगे ऐसे ही कृषि पर करेंगे ऐसे ही भारत की मिट्टी पर प्राकृतिक वनस्पति पर चलिए इस वीडियो में इतना ही पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को ज़रा कर लीजिए उसको थैंक यू सो मच